दोस्तों, अगर आपने किसी भी टाइम पहले कभी भी स्नैपचैट अकाउंट बनाया था और स्नैपचैट अकाउंट को आपने यूज भी किया था, लेकिन आज की डेट में अगर आप सोचते हैं कि भाई मेरे ये जो स्नैपचैट का अकाउंट है उसको मैं यूज़ तो करता नहीं हूँ, कभी चलाता भी नहीं हूँ और मैं इसको परमानेंट डिलीट कर देता हूँ, तो स्नैपचैट अकाउंट को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए, तो उसका प्रोसेस मैं आपको आज की वीडियो में मोबाइल की स्क्रीन पर लाइव सिखाने वाला हूँ। बस वीडियो को एंड तक देख लेना, बिना कोई पार्ट मिस किए। और चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको दिखाता हूँ स्नैपचैट का जो अकाउंट है उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं परमानेंटली। तो यहाँ पर आप मोबाइल की स्क्रीन देख सकते हैं सामने। यहाँ पर सबसे पहले आपको स्नैपचैट को ओपन कर लेना है। स्नैपचैट ओपन किया और स्नैपचैट ओपन करने के बाद आपको ऊपर ही ऊपर अपनी प्रोफाइल दिखेगी। प्रोफाइल वाला आइकन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ऊपर ही ऊपर सेटिंग्स का आइकन दिखेगा, गोल सा आइकन है कॉर्नर में सेटिंग्स का, सेटिंग्स पर आपको क्लिक कर देना है। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इनमें कन्फ्यूज हो सकते हैं। थोड़ा सा नीचे चलना है, नीचे स्क्रॉल करते करते आना है, स्क्रॉल करते करते धीरे धीरे आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा सपोर्ट लिखा हुआ है, जहाँ पर ग्रीन कलर में, इसके जस्ट नीचे ऑप्शन है ब्लैक कलर में आई नीड हेल्प, तो आई नीड हेल्प वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आई नीड हेल्प पर क्लिक किया, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब ये पेज खुल चुका है। यहाँ पर जहाँ पर आपको सर्च का आइकन बार दिखेगा, यहाँ पर सर्च बार दिखेगा, सर्च में आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको लिख देना है डिलीट माय अकाउंट, यहाँ पर डिलीट माय अकाउंट ऑटोमेटिक शो हो रहा है, डिलीट माय अकाउंट, यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। डिलीट माय अकाउंट पर क्लिक किया, अब आ गए आप डिलीशन वाले पेज पर, यानी अपने अकाउंट को आप डिलीट करना चाहते हैं वही पेज यहाँ पर आ गया है। इस पर आपको थोड़ा सा नीचे चलना है, धीरे धीरे नीचे चलना है। जहाँ पर शो हो रहा है टू डिलीट योर अकाउंट इफ़ यू आर ऑन एंड्रॉयड और ऑन द वेब, जहाँ पर आपको ब्लू कलर में शो हो जाएगा अकाउंट्स पोर्टल, तो ब्लू कलर वाले ऑप्शन, इस पर अकाउंट्स पोर्टल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो अकाउंट्स पोर्टल पर क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे डिलीट अकाउंट वाले पेज पर, यहाँ पर आप डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपका यूजर नेम ऑटोमेटिक फिल है, अब आपको क्या है अपने स्नैपचैट अकाउंट का पासवर्ड डाल देना है। तो यहाँ पर अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो इसको फॉरवर्ड पासवर्ड कर लेना, पासवर्ड रीसेट कर लेना, उसके बाद अपने अकाउंट का पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है, क्योंकि पासवर्ड के बिना आपका अकाउंट ऐसे डिलीट नहीं हो सकता है। तो मैं अपने अकाउंट का पासवर्ड यहाँ पर डाल देता हूँ, तो मैंने अपने अकाउंट का पासवर्ड यहाँ पर डाल दिया है। अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर शो हो गया अकाउंट डीएक्टिवेटेड, यानी कि हमारा अकाउंट अब डीएक्टिवेट हो चुका है, यानी किसी को शो नहीं होगा, एक तरह से डीएक्टिवेट हो चुका है। तो यहाँ पर शो हो रहा है योर स्नैपचैट अकाउंट विल बी डीएक्टिवेटेड सून, यानी जल्दी आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। इफ़ यू हैव वेरीफाइड एन ईमेल एड्रेस विद स्नैपचैट विल सेंड यू ए कन्फर्मेशन वंस दैट हैपन्स, यानी कि आपके पास मेल वगैरह भी आ जाएगा, अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा और इन 30 डेज 30 दिन के अंदर अंदर आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। और अगर आप अपने अकाउंट को रीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो अपने अकाउंट को जस्ट तुरंत लॉगिन कर लीजिए या फिर 30 दिन से पहले पहले लॉगिन कर लेना, क्योंकि 30 दिन से पहले पहले अगर आपने लॉगिन नहीं किया तो आपका अकाउंट यहाँ से परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो अगर आप अपने अकाउंट को परमानेंटली यानी हमेशा हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट रिक्वेस्ट देने के बाद अपने अकाउंट को किसी भी डिवाइस में लॉगिन मत करना 30 दिन तक, 30 दिन के बाद अपना अकाउंट डिलीट हो जाएगा, उसके बाद तो आप लॉगिन कर ही नहीं पाएंगे। बस अकाउंट बचाना हो तो लॉगिन कर लेना, नहीं बचाना हो तो लॉगिन मत करना। तो इस तरह से आप अपने अकाउंट को, स्नैपचैट अकाउंट को आसानी से डिलीट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।